बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस जूनियर अनबॉक्स करने के लिए, लेकिन मिंत्रा वालों ने ना भाई एकदम दिल तोड़ दिया। लिटरली हमें जो बॉक्स रिसीव हुआ है उस झोपड़ी का छपड़ा गायब है भाई। यस, अगर आपको डब्बे का छप्पर ही ना मिले, यानी वो जो ढक्कन जिसको खोल के हम करते थे, अब वो एक्सपीरियंस ही ना मिले तो आपको कितना गुस्सा आएगा। सिपिंग विपिंग के दौरान क्या होता है पता नहीं। भैया ऑर्डर आया था, पैक हो गया क्या? हाँ हाँ, रुक रुक रुक, हेले एक काम करे, डब्बे में पैक करके भेज दे। हाँ, यहाँ पर अगर इसके एमआरपी की बात करें तो भाई लिखा गया 11,895 रुपए। लेट्स अनबॉक्स दिस। अरे यार अनबॉक्स बोल ही नहीं सकता। अनबॉक्स दिस पेपर, पेपर को निकालते हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटी। एक्चुअली नाइकी के पास जो एयर मैक्स जो टेक्नोलॉजी है इनकी, तो आप देखते हो ना ऐसा करके मस्त क्रिस्टल जैसा दिखता है, अंदर एयर भरा होता है, वो एक्चुअली इनके पास आया था 1978 में। और ये जो टेक्नोलॉजी थी वो पहले विजिबल नहीं थी, मतलब जो एयर कंपार्टमेंट होता था ना वो जूते के अंदर रहता था और वो छुपे रहता था। जब एयर मैक्स 1 रिलीज हुआ 1987 में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया विजिबल ऐसा एयर मैक्स कंपार्टमेंट। उसके बाद इसकी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस खूबसूरत जूते की बात करें तो एक्चुअली ये एक वुमेन रिलीज जूता है, लेकिन भाई इतना खूबसूरत है कि मेन लोग आराम से इसमें पहन सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कलर, कोई ऐसी डिजाइन नहीं है जैसे ये वुमेन जूता लगता है। इसमें बहुत खूबसूरत आइकॉनिक पैच वर्क किया गया है, नाइकी ऐसा इसे बोलती है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज किए गए हैं। वेट की बात करें तो एक्सट्रीम लाइट आपको फील नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब बीच बीच में। फ्रंट से जाते हैं बैक की तरफ और सच बता रहा हूँ मस्त मस्त चीज है, आपको बहुत मजा आएगा। फ्रंट में देखोगे तो ये व्हाइट वाला पोर्शन पूरा स्मूथ लेदर है, उसके नीचे आपको पैच वर्क के थ्रू यहाँ पर ओपल कलर का स्मूथ लेदर अटैच करके दिया गया, जो कि व्हाइट के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद अगर साइड में इस तरफ देखोगे ना तो थोड़ी स्टोन टाइप की डिजाइनिंग की गई है ब्लैक एंड ग्रे कलर की। तो ये सिर्फ प्रिंट नहीं है, एक्चुअली अगर इसे टच करोगे ना तो ये जो टेक्सचर है वो आपको फील होगा लाइक गड्ढा 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 गड्ढा। अब इसके दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक और लेदर का पैच अटैच किया गया है जो कि शाइनिंग लेदर है, ओशन ग्रीन कलर का लेदर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब इधर भी कुछ अलग है, इधर भी कुछ अलग है। अब इस व्हाइट के ऊपर जाओगे तो एक और पैच वर्क है जहां पर आपको सेम स्टोन टाइप की डिजाइनिंग मिलेगी और इसे भी एक्चुअल आप छू के फील कर सकते हो, ऐसा लगता है कि आप किसी स्टोन को छू रहे हो। उसके बाद और पीछे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का काम मिलेगा, यहाँ पर आपको लेस होल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर ऐसा ऐसा लाइन लाइन करके डिजाइनिंग की गई है। अब जूते के एक साइड यानी आउटर साइड में देखोगे तो ये जो येलो पार्ट है ना, इसको नाइकी बोलती है लाइट करी कलर, तो ये आपको मिल जाएगा स्वेड लेदर। ठीक उसके जूते के इनर साइड में यहाँ पर ओशन ग्रीन कलर का ये सेम मटेरियल मिलेगा, यानी ये भी एक स्वेड मटेरियल वाला पैच है। अगर इसके टंग की बात करें, बहुत कुछ नहीं टंग है, इसके ऊपर आपको नाइकी का पैच मिल जाएगा, आइकॉनिक पुराना वाला नाइकी का लोगो है ये। ओशन ग्रीन कलर से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको लेपर्ड प्रिंट वाला पूरा एक पैच मिलता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड आई कैचिंग पैच है ये। डेफिनेटली लोग जब देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं ऐसे ऐसे पैच जो कि जनरली जूतों में देखने नहीं मिलते। ये लेपर्ड प्रिंट के अगर दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर शाइन लेदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है तो रेड है लेकिन नाइकी इसे बोलती है हैबनेरो रेड, यानी थोड़ा सा लग्जरी एक्सपीरियंस करवाने की नाइकी हर बार कोशिश करती है अपने मस्त मस्त वर्ड से। अरे यार कितनी भूख लग रही है। लगी लगी लगी। और ये क्या है सर? दिस इज लॉन्ग व्हाइट पॉलिश फ्रेग्रेंस सॉल्टी राइस सूप। अबे लेकिन ये तो माड़ है। और ये क्या है? इसमें सूखी गारी भी नींबू। सर दिस इज आवर स्पेशलिटी नथिंग नींबू। ना तो ये आपको खट्टी लगती है और ना ही इसको गारने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज को बढ़ा चढ़ा के। अब इस लेपर प्रिंट और इस शाइनी रेड से आगे बढ़े ना तो उसके ऊपर एक और आपको लेदर पैच मिलेगा जिसमें एक्चुअल एयर मैक्स की ब्रांडिंग की गई है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है और ये पैच आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। अब विश्वास नहीं करोगे कि लिटरली आप ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पैच फ्लीस से बना गया। अगर आपको नहीं पता तो हम विंटर्स में जो फ्लीस जैकेट पहनते हैं ना, स्मूथ सा टेक्सचर होता है एकदम कुछ नहीं वाला, एक्चुअल ये यहाँ पर पैच यहाँ पर लगाया गया है। आपका दिमाग अभी हिल जाने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस जूते के बारे में। अब लिटरली अगर आप इस फ्लीस वाले पैच के दूसरे तरफ यानी जूते के इनर साइड में देखोगे ना, एक्चुअल एनिमल से इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पर एनिमल के हेयर्स डिजाइन किए गए हैं और ये हेयर्स
एक्चुअली आप छू के पूरे फील कर सकते हो, ऐसा लगता है कि लायन टाइगर के हेयर है भाई। और आप ऐसे छू के ऐसे को कंगी वंगी भी बाद में करके जेल वेल से लगाकर सेट करके तेरे नाम चिकने गंजा बना सकते हो। इस जूते के अगर पीछे देखोगे तो पीछे में आपको एक और पैच मिल जाएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस ड्रॉ की गई है और उसके ऊपर नाइकी एयर की ब्रांडिंग की गई है। अब बोलोगे नाइकी का शूज नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर एक्चुअल नाइकी का शूज ऐसे करके छोटा सा हिडन करके यहाँ पर डाला गया है। ये भी प्रिंटेड नहीं है, पैच वर्क के थ्रू है। अब अगर बात करें इसके कम्फर्ट की, क्योंकि कॉलर को देखोगे तो मस्त लो कट कॉलर यहाँ पर दिया गया, आपको बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है कॉलर, अनकंफर्टेबल लगता है पहनने में। साइड वाइड में इसकी कुशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इनर सोल में देखोगे तो पूरा ब्लैक कलर का इनर सोल है, अंदर में आपको पुरानी नाइकी की लोगो मिल जाएगी। सोल में एक्चुअल वेंटिलेशन के लिए ना छोटे छोटे होल्स किए गए हैं, अंदर में इसके सोल में भी भाई छोटा सा नाइकी की ब्रांडिंग की गई है। कुशनिंग की बात करें अच्छी कुशनिंग है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऐसा लचपच गद्दा जैसा नहीं है। हमने जो एयरफोर्स वन वाला अनबॉक्स किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, ऐसा करके थंबनेल आता है उसका। उसमें हमने देखा था कि उसका इनर सोल ना थोड़ा सा उठा हुआ है और सेम वही डिजाइन आपको यहां पर भी मिलती है। आ जाते हैं इसके सोल पे, तो अगर इसका सोल देखोगे तो मिड फोम इसका बहुत ज्यादा कुशनी है। बीच में आपको एयर मैक्स का कंपार्टमेंट मिल जाएगा, जब आप पहनोगे तो एक्चुअल आपको फील होगा। नीचे देखोगे तो इसका बॉटम सोल आपको हार्ड रबर का मिल जाएगा, इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रूव्स बने हुए हैं। ऊपर आपको थोड़ा सा रेड का काम मिलेगा, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट है, और ऐसे करके ऐसे बहता हुआ एक नदी जैसी डिजाइनिंग बनाई गई है। यहाँ पर आपको नाइकी की एक और ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब पहनने में देखो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही साथ देखो ये सारे जो जूते होते हैं ना कंफर्ट्स के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ के लिए होते हैं, लोगों को चमकाने के लिए होते हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम। वी कैन नॉट वेस्ट द नथिंग नींबू।